अब तुम कर रही हो मुझसे गलत बात, ठीक है ना। अगर वो आईपीएल में पहुंच गया तो वो तो पहुंचना, लेकिन देखो अभी उसने आईपीएल की वैसे मना नहीं किया, ठीक है ना। देखो हर तुम कसूर आईपीएल को नहीं दे सकती हो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज जो वीडियो है पाकिस्तानियों के लिए बहुत ही बड़ी सैड न्यूज भाई। कोई गुड न्यूज ला दो है मेरे पास सैड न्यूज। अरे तो कोई एक गुड न्यूज तो लाओ दो में से यार, कि एक गुड है एक बैड है। तुम तो दो ही बैड ला रही हो। पाकिस्तान क्रिकेट तुम्हें कभी भी गुड न्यूज भाई। तो ये क्या मसला हुआ है शेन वॉटसन का? ये मेरी वजह से थोड़ी ना हुआ है। मैं क्यों बात करूं इस पे यार, जब ये मेरी वजह से मसला ही नहीं हुआ। बता दो भाई। भाई शेन वॉटसन को पीसी क्या बोल रही हो? शेन वॉटसन ने आईपीएल की वजह से मना किया है? आईपीएल गलत बात नहीं करो। देखो गलत बात नहीं बोलो यहाँ पे, गलत बात देखो, नहीं देखो तो आईपीएल ही। अब तुम कर रही हो मुझसे गलत बात, ठीक है ना। अगर वो आईपीएल में पहुंच गया तो वो तो पहुंचना, लेकिन देखो अभी उसने आईपीएल की वजह से मना नहीं किया, ठीक है ना। देखो हर तुम कसूर आईपीएल को नहीं दे सकती हो, ये मैं बता रहा हूँ आपको। कि तुम अभी मुझे बोल रही हो छप्पड़ में आईपीएल की वजह से मना किया, गलत बात है भाई। शेन वॉटसन को पीसीबी ने यही बातें कर रहे हैं आईपीएल की वजह से मना किया। मेन बात बता दूं मैं भाई, शेन वॉटसन को पीसीबी ने ऑफर मारी थी कि भाई आप आए हमारे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच बने, और 1.5 करोड़ रुपयों की उनको ऑफर मारी थी कि उनकी नेटवर्क होगी, और उन्होंने मना कर दिया। ये कह के मना कर दिया कि भाई उनकी कोई फैमिली इश्यूज है, फैमिली कमिटमेंट है, इस वजह से वो नहीं बन सकते, और उन्होंने 1.5 करोड़ की ऑफर ठुकरा दी। अब मेरा सिर्फ एक सवाल है, ठीक है, ये सारी यार ये मजाक और हंसी मजाक की बातें हैं कि वो आईपीएल और ये और वो, लेकिन एक जेन्युइन सवाल मैं आपसे पूछता हूँ। आपने शेन वॉटसन के अंदर, उसके करियर के अंदर ऐसी क्या चीज देखी है? माना कि चलो वर्ल्ड कप जीतवाया है, देखो कुछ भी अच्छा है, प्लेयर है ऑस्ट्रेलिया, प्लेयर बहुत अच्छा है, लेकिन हेड कोच बनाने, आप चलो हेड कोच भी हो, लेकिन आपने मतलब पूरा वर्ल्ड छोड़ के, ठीक है, आपने शेन वॉटसन के अंदर ऐसी क्या चीज देखी? पीसीबी बहुत परेशान है मामे पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर। यार तो आप अपने आपके जो लेजेंड्स हैं, ठीक है, जिनको दुनिया मानती है, जब क्रिकेटर्स ही को बनाना था भाई। हाँ। वसीम अकरम को स्विंग का सुल्तान बोलते नहीं बोलते, शोएब अख्तर को भाई रावलपिंडी एक्सप्रेस बोलते, मार मार के सही करवाते हैं। तो यार आप जब अपने लेजेंड्स मौजूद हैं, अब मैं वही वाली बात करूंगा ना, तुम मुझे बोल रही हो यार हर चीज को तुम इंडिया से जोड़ देते हो। अब तुम्हें इंडिया की मिसाल, अभी राहुल द्रविड़ चल रहे कोच, उससे पहले रवि शास्त्री थे, वो नहीं जाते बाहर की तरफ यार। आप यहाँ पे शेन वॉटसन को 1.5 करोड़ की ऑफर दे रहे हो, अल्लाह के बंदो, अगर आप अपने यहाँ पे लेजेंड्स को भाई शोएब अख्तर ने बोली थी एक दफा, एक बात शोएब अख्तर से सवाल हुआ था कि यार आप पाकिस्तान टीम को कोचिंग क्यों नहीं देते? वो बताऊं क्या बोल रहा था? कि भाई मेरे पास कॉल तो आए पीसीबी की, फिर जाऊंगा ना, या मैं खुद अपनी सीवी लेके पहुंच जाऊं वहां पे कि भाई मुझे जॉब दे दो। तो भाई आप थोड़ा अपने ऊपर ध्यान दे लो। अगर इस तरफ देखो ना, उसने ऐसी की तैसी कर दी, उसने 1.5 करोड़ को कहीं रखा ही नहीं खाते, उसने बोला मैं नहीं आ रहा, ये तो ये चीज की होती तो है। हो सकता है ना आईपीएल ज्यादा खर्चे उठवा रहा है। आईपीएल अब कुछ भी, अब वो आईपीएल पहुंच गया, लेकिन अभी उसने एक भाना दिया फैमिली कमिटमेंट का, कुछ भी भाना दिया उसने। इन शॉर्ट ये बात है कि उसने आपका पैसा आपके मुंह पे मार दिया, मैं सीधा बोलूंगा, उसने मना कर दिया शेन वॉटसन ने कि वो नहीं आएगा। और हमारी इतनी बड़ी बेइज्जती। और दूसरी आप देख लो ना, दूसरी चीज देख लो, कल क्या हुआ है, बाबर आजम की टीम बाहर हो गई पीएसएल से। मैं हालांकि देखो बड़ा उस पे वो हूँ कि भाई फैन हूँ बाबर आजम का, और हो सकता है हमेशा रहूं, लेकिन मैं शुरू से एक बात बोलता हूँ कि बाबर आजम एज अ प्लेयर बहुत अच्छा प्लेयर है, लेकिन कप्तान वो बिल्कुल अच्छा नहीं। ऐसी वर्ल्ड कप में होता था कि हमारा मैच जीत जाते थे, हम जीता मैच हार जाते थे। अच्छा अभी पब्लिक कुछ बोल रही है कि यार तुम अपने मुल्क की बुराइयां कर रहे हो और ये करो। मेरे भाई एक बात मैं आपको बता दूं, मुल्क की बुराइयां मैं नहीं कर रहा हूँ, जो फैक्ट की बात है, जो सच बात है, इशू को हाईलाइट कर रहे हैं, पहले भी जिक्र किया था। अभी ये हम शेन वॉटसन की वीडियो बना रहे हैं, मेरे भाई आप जाओ, कितनी वीडियोस बन चुकी होंगी गूगल पे, पूरा सीएनबीसी सब लोग डाल रहे हैं कि भाई शेन वॉटसन ने पीसीबी को मना कर दिया। तो भाई हम इशू को हाईलाइट कर रहे हैं। अगर यही कोई चीज आप अपने प्लेयर्स को ऑफर मारते ना शेन वॉटसन वाली, फिर आपको पता होता कि यार क्या वर्थ है हमारे प्लेयर्स की, क्या लेजेंड है। अब देखो ना, शाहीन भारे पीएसएल से, बाबर आजम भारे, अब कौन फाइनल खेल रहा है? कल फाइनल है, फखर वाला तो माशाल्लाह पहुंचे ही नहीं, पहुंचे ही नहीं ना। तो यार ये तो हालात हुए हैं क्रिकेट टीम के, पीएसएल आपने अलग, आपको खुद नहीं पता आपको करना क्या है। आप यहाँ पे पीएसएल करा रहे हो, वहां पे आप शेन वॉटसन को ऑफर मार रहे हो। अबे भाई किसी एक चीज पे फोकस कर लो, किसी एक चीज पे ध्यान दे लो, स्टेप बाय स्टेप चलता है यार हर बिजनेस, कोई भी चीज हो स्टेप बाय स्टेप चलती है। पीएसएल संभाला नहीं जा रहा, स्टेडियम की लाइट से संभाली नहीं जा रही, कुर्सियां उनके पास पूरी है नहीं, और फिर आप 1.5 करोड़ की ऑफर उनको मार रहे हो। और फिर आप देखो, अब तुम लोग बोलते हो ना कि हमारे पास रोटी नहीं है, चीनी नहीं है, तो भाई सोचो हमने 1.5 करोड़ की ऑफर शेन वॉटसन को मारी, सोचो कितने अमीर लोग हैं, कितने अमीर लोग हैं भाई, ये 1.5 करोड़ की ऑफर मार रहे, हमारे हिसाब से बहुत बड़ी ऑफर है भाई, बहुत बड़ी ऑफर, और सोचो पाकिस्तानी रुपीस के हिसाब से 1.5 करोड़। तो भाई आप देखो ना यार, बाबर आजम का वही वाली बात है ना, लोग जिक्र कर रहे थे यार बिग मैचेस में वो परफॉर्म नहीं करता, ये बात हकीकत है, ठीक है, ये हकीकत है। अब तो पीएसएल में भी बिग मैचेस जब हुए, देखो ना, अब आप देखो लाहौर कलंदर्स की फ्रेंचाइज शाहीन के हाथ में थी, उसने क्या हाल किया लाहौर कलंदर्स, पाकिस्तानी टीम बहुत खतरे तो में इस वक्त, मेरे हिसाब से पाकिस्तानी क्रिकेट बहुत, मेरे हिसाब से इस पीएसएल के अंदर ना एक चीज बहुत अच्छी हुई है, वो बताओ क्या,
कि हमें ना के सामने हमें, आ गया हम लोग हम पाकिस्तानी लोग मेंटली तौर पे प्रिपेयर हो गए कि T20 वर्ल्ड कप में अगर शाहीन कप्तान रहा टीम का तो क्या हाल होने वाला है। लेकिन मुश्किल लग रहा है तो भाई ये सिचुएशन चल रही है, तो भाई यही कर सकते हैं, यही दुआ कर सकते हैं कि भाई सिचुएशन ठीक हो जाए। एक टाइम पे हमने भी पाकिस्तान का एक एरा देखा है क्रिकेट का, जब हमारे पास वर्ल्ड बेस्ट बॉलिंग अटैक था, तब कोई भी बैट्समैन हमारी बॉलिंग अटैक के सामने भाई नहीं टिक पाता था। हमने वो एरा देखा है और हमने टीवी पे पाकिस्तान के मैचेस पाकिस्तान को जीतते हुए देखे हैं भाई। तो भाई वो चीज हम तो यही होप करेंगे, बहुत बुरा वक्त चल रहा है, वो चीज वापसी आए। और भाई कल PSL का वो है फाइनल, तो उसका ब्लॉग मुझे ऐसा लग रहा है कि हमारे हेड कोच जो है वो डैन समी हो जाएंगे, क्योंकि वही घूमते रहते पाकिस्तान में। वो बोल रहे यार मुझे रखी लो, गोद ले लो मुझे, उनको तो पेशावर जमी ने गोद ले लिया है।